गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज आमिर खान हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ क्लास नाइन्थ के लिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वैल्यू डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का, इसमें दोनों बराबर हो जाता है। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऐसे पॉसिबल नहीं है, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक वैल्यू है जिस पर डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और वो वैल्यू है -40। एक्चुअली -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री एफ एट -40। हमको प्रूफ करना है कि डिग्री सी बराबर डिग्री एफ है -40 पर। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, लेट करते हैं। अब देखिए, एक बात बताना चाहूंगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है, अगर एफ दिया हो, डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5/9 इंटू एफ -32, और अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो, एफ निकालना हो तो एफ के लिए फॉर्मूला होगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। इसमें जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, पहले आप ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट केस में ना हम लोग लेते हैं, मान के चलिए इफ सी इज इक्वल टू -40 डिग्री, हम मान लेते हैं सी इज इक्वल टू -40 डिग्री है, तो एफ इज इक्वल टू हाउ मच, तो एफ बराबर क्या होगा। तो अगर अब यहां पर सी दिया, अब हमको एफ निकालना है, अब एफ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो एफ डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5, तो 9/5, ठीक है। अब सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, -40, ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करना, फिर बाद में +32, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कट कीजिए, 5×8 कितना होगा, 5×8 = 40, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×9 = 72, -72, ये फिर इधर कितना, +32, तो -72 + 32 कितना हो जाएगा, -40 डिग्री। अगर हम यहाँ पर C बराबर -40 लिए, तो देखिए ना F बराबर क्या आ गया, -40 हुआ ना। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से फिर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब न्यूमेरिकल को आगे बनाने के लिए अब केस टू लेते हैं। अब यहाँ पर इफ C इज इक्वल टू -40 डिग्री लेते हैं, तो F इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। ये तो हम शुरू में किए ही है। अब हम F इज इक्वल टू -40 लेते हैं, तो अब मुझे निकालना है C इज इक्वल टू हाउ मच, ओके। अब हम F इज इक्वल टू -40 लिए है, अब हम निकालते हैं C। तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 5/9 इंटू एफ -32, तो क्या करेंगे, माइनस F का वैल्यू कितना है, -40 -32 करेंगे ना। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पर 5/9, पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो -40 -32 कितना हो जाएगा, -72 होगा ना, और 9×8 = 72, 8 टाइम्स में कटेगा, ये हो जाएगा आपको -8, और -8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -40, तो आया ना। तो जैसे ही मैंने F बराबर -40 लिया, तो C का वैल्यू भी कितना आया, -40। इसका मतलब -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।